Hello everyone. A very good morning to you all. Welcome to Ambitious Baba. This is Ghazala Khan, your English educator. So guys, how was your exam? कितने लोगों का एग्जाम था भाई कल और कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि जैसे कि आपने पेपर अगर अटैम्प्ट किया है, एग्जाम आपने दिया है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे थे एरर डिटेक्शन में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, कि जो हमारे एग्जैक्ट पढ़े हुए थे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक ऑलमोस्ट अगर आपने पूरे सेशंस अटेंड किए हैं तो उसमें से लगभग आपके जो अगर मैं मोटा मोटा डाटा बताऊं तो आपका जो है लाइक 20 मार्क्स का जो है ग्रामर तो एज इट इज आई है ना, तो जिसमें से क्लोज टेस्ट और ये सारी चीज़ें भी मिली, स्वैपिंग वर्ड आए हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका एग्जाम में पेपर जो आया था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी होंगे और आप सभी लोग तैयार होंगे इस चीज़ के लिए, है ना? तो एक बार जितने भी लोग सेशन में आ चुके हैं, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू शेयर द सेशन फर्स्ट, कि वो सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट इट, ठीक है ना? वेल मैनर। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिली, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपने जो देखी उसमें से कितना ऐसा चीज़ें थी या इतना डाटा ऐसा था जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है विद द डीप कॉन्सेप्ट, डीपली कॉन्सेप्ट के साथ आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट लाइक वी शुड डिस्कस दैम, तो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सैनिश, गुड आफ्टरनून, ठीक है? तो अभी इसमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि भाई जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एस बी ए क्लैरिकल मेन्स के लिए, वो हमारी अभी हमने एस बी ए पी यू प्री की वजह से ब्रेक कर दिया था, जहाँ पर हमारा पैरा जंबल तक के पार्ट्स जो है वो कवर अप हो गए थे। हमारे फिलर से जो चीज़ें हैं वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वापस से फ्रॉम मंडे, ठीक है? मंडे से मतलब मंडे को हम फिलर्स करेंगे, इसके पार्ट वन है, पार्ट टू है, ठीक है? स्पॉटिंग एरर्स करेंगे, मिसेस स्पेल्ड करेंगे, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वर्ड एरर आरसी, और फिर उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे एग्जाम तक, एसबीए क्लर्क मेंस के एग्जाम तक, है ना? और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा है जो अटेंड नहीं कर पाया था, ठीक है, तो वो एक बार जाकर के सारे लाइक चैनल पे देख लीजिए। ये सारे कनेक्टर्स हमने डिटेल में किए हैं, वर्ड स्वैपिंग हमने डिटेल में किए, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। चलिए तो अब हम आते हैं जल्दी से आपके एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स के एग्जाम एनालाइज पे 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट थी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें रही हैं उसमें, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका आया था, फूड क्राइसिस ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वार पे, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एडिटोरियल पढ़ा करो, एडिटोरियल से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू नो कि भाई एडिटोरियल से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक ये कॉम्प्रीहेंशन जो होता है ना वो पूरा एडिटोरियल से ही होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये सारा न्यूज़पेपर का ही पार्ट था, ठीक है? तो एडिटोरियल जो था फूड क्राइसिस पर था, 9 मार्क्स का जो है आपका ये था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, ठीक है, एडिटोरियल के बेसिस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैनिश, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपने देखे कि 5 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के थे, मतलब 5 मार्क्स का आपका एरर डिटेक्शन था। क्लोज टेस्ट आपका 6 मार्क्स का था, मतलब पहले क्या होता था, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का होता था, कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का होता था पैसेज, बट उसने उसको इंटरचेंज कर दिया कि वो 5 मार्क्स का करके 6 मार्क्स का कर दिया, दैट वुड बी ऑल्सो फाइन। एरर डिटेक्शन आपके 5 मार्क्स की, सिर्फ फ्रेज रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा हमने पढ़े हुए, 4 क्वेश्चंस फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे, वर्ड स्वैप हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के थे, ठीक है। इसके अलावा आपके वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपके कितने थे, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो आपका टोटल जो इंग्लिश का पोर्शन था वो 30 मार्क्स का था। इसमें से देखिए कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, हमने खूब ज्यादा पढ़ा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी हमने काफी सारी क्लासेस देखी, ठीक है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन तो हम ऑलमोस्ट हर मॉक में सॉल्व करते हैं, हर दिन हम एरर डिटेक्शन करते हैं। क्लोज टेस्ट हमने खूब सारे किए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हमने किए थे, वर्ड स्वैपिंग हमने की थी, ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट हमने किया था। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार आज के पेपर को, पीओ के प्रीलिम्स का जो भी पेपर आया है उस पर डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एरर डिटेक्शन से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1-5 जो है आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, फटाफट से आपको ट्राई करना है कि इसमें क्या एरर हो सकता है, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर इन इट।
आपको सारे सेंटेंस को रीड करना है फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें कोई एरर है क्या ग्रामेटिकली. द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो एरर होगा वो सेंटेंस के किसी भी एक पार्ट में होगा. द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर. ठीक है, और जिस पार्ट में एरर होगा वो पार्ट आपका आंसर होगा. इफ देयर इज नो एरर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर. तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, दैट इज नो एरर. तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन टू रीड आउट द सेंटेंस एंड आंसर मी क्विकली. ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, एक बार सेंटेंस को रीड कीजिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए. जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इजी एरर डिटेक्शन के पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पैटर्न्स दिए हैं. द क्वेश्चंस वर वेरी इजी. ठीक है, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट. बताओ, वाइट वाइट माइट शो स्कफ्स वेरी इजीली देन अ डार्कर कलर, सो वाइट सेज दैट यू आर कमिटेड टू कीपिंग committed to keeping your phone looking brand new. क्या प्रॉब्लम है ए पार्ट में सैनिश? ए पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ आंसर. ए पार्ट में प्रॉब्लम है या ए आंसर बता रहे हो? इजीली की स्पेलिंग तो करेक्ट है ना, इजीली वेरी इजी होना चाहिए क्या, वेरी इजी होना चाहिए क्या? देखो, white mite shows scuffs very easily than a darker color. यार ये तो comparison हो रहा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, than लिखा है. और हमने पढ़ा है कि पूरी English में कभी भी than आता है तो ये than कब आता है, जब इसके पहले कोई comparative degree use हो रही हो. क्या use हो रही हो? कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही हो. कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं किसी पर्सन का किसी पर्सन से, किसी चीज का किसी चीज से, उसे हम बोलते हैं कि वो कंपैरिजन हो रहा है. तो जहां कंपैरिजन होता है बच्चों, वहां पर हम देन लगाते हैं. अगर मैंने बोला कि सचिन इज वेरी गुड देन हिज ब्रदर, सचिन अपने भाई से बहुत अच्छा है. ठीक है, मैंने बोला सचिन इज वेरी गुड, यहां पर लिखा मैंने देन, फिर मैंने लिखा हिज ब्रदर. सचिन इज वेरी गुड देन हिज ब्रदर, बताओ करेक्ट है क्या ये? सचिन बहुत अच्छा है अपने भाई से, सचिन इज वेरी गुड देन हिज ब्रदर. इज दिस क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट है क्या ये क्वेश्चन? सचिन इज वेरी गुड देन हिज ब्रदर. नहीं है भाई, आपने यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हो ना सचिन का उसके ब्रदर से, कि सचिन अपने भाई से अच्छा है. तो यहाँ पर आप वेरी गुड देन थोड़ी ना लिखोगे, आप लिखोगे सचिन इज बेटर देन. क्या लिखोगे? सचिन इज बेटर देन हिज ब्रदर. बट यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो कि ये जो व्हाइट माइट है ये शो करता है स्कफ्स को बहुत इजिली देन अ डार्कर कलर, डार्कर कलर से इजी शो करता है. तो वेरी इजिली के प्लेस पे ये होगा मोर इजिली. क्या होगा? मोर इजीली करोगे ना. क्यों? क्योंकि इजी की कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी हमें. ठीक है, इजी की कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा? मोर इजीली. इजीली कर दोगे, वेरी की प्ले रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, या तो मोर इजीली कर दो या इजियर देन कर दो, एक ही बात है. ठीक है, बट दैट इज इनकरेक्ट कि आप वेरी इजीली नहीं लिख सकते. जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकती, यू आर इंटेलिजेंट than your brother या than your friend. तुम अपने दोस्त से intelligent हो, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? you are intelligent than your friend, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? मैं ऐसे नहीं लिख सकती भाई, मैं ऐसे नहीं लिख सकती you are intelligent than your friend. मैं ऐसे लिख सकती हूँ you are more intelligent than your friend. आप कभी भी than लगाते हो तो than के पहले आपको एक comparative degree देनी पड़ेगी, और अगर आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं दे पा रहे हो तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना? तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और अगर सेंटेंस गलत हो रहा है तो हमें यहां पर करेक्शन करना है. तो ये हो जाएगा व्हाइट माइट शो स्कफ्स, ठीक है, मोर इजीली देन अ डार्कर. तो जो एरर होगा दैट वुड बी पार्ट नंबर ए.
ठीक है, एक और एरर इसमें बहुत लोग लगा करके आए होंगे, आई नो अबाउट इट, कि यहाँ पर यू आर कमिटेड टू कीपिंग, कमिटेड टू कीपिंग, हम सोचते हैं टू कीपिंग कैसे हो गया, और मैंने ये बहुत बार पढ़ाया है तुम लोगों की, कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनके बाद बी, जिनके पहले बी लगा होता है, बी के बाद अगर यूज्ड टू है, बी के बाद अगर कमिटेड टू है, बी के बाद अगर लाइक अकस्टम्ड टू है, बी के बाद अगर लुकिंग फॉरवर्ड टू है, तो इन सभी के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। वर्ब किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। तो देखो, यू आर कमिटेड टू कीपिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मत सोचना टू कीप कर दें, क्योंकि बहुत लोग इसमें टू कीप करके आए भी होंगे, अगर ये पैटर्न जो आया है टू कीपिंग को टू कीप करके भी आए होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं, मैंने आपको बताए हैं वो फ्रेजेस, मैंने आपको बहुत बार बताए हैं वो फ्रेजेस जो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो आपको आईएनजी फॉर्म वाले फ्रेजेस इनमें से कमिटेड टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, अकस्टम्ड टू है, यूज्ड टू है, हैबिचुएटेड टू है, ये सारे फ्रेजेस जब भी यूज होते हैं इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। इन हर कंपोजिशन, उनके जो कंपोजिशंस हैं उनमें माहिरा आल्सो अटेम्प्ट्स टू फ्री हरसेल्फ विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव एंड हॉरिजन लाइंस। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन नंबर टू का। इन हर कॉम्पोजिशन माहिरा ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू फ्री हर सेल्फ विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव एंड होराइजन लाइंस। बिल्कुल अरविंद, ये जो सेशन आपका अभी मैं ले रही हूँ, ये आपका मोर एक्स, ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके SBI PO के, वो वाला सेशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। जो कल का आपके लाइक एग्जाम था वो वाला पैटर्न, और एज यू नो कि भाई SBI PO का जो प्री होता है उसका लेवल SBI क्लर्क के मेन के मेन्स के बराबर होता है ना। तो लेवल सेम है, इंग्लिश ग्रामर सेम है, चीजें वही आती है जो पहले आई है, मतलब जो यही होंगी, एरर डिटेक्शन है, वर्ड स्वैप है, ये सारी चीजें ही आती है ना। तो दैट डेफिनेटली इट्स यूजफुल, इफ यू वांट टू लाइक पार्टिसिपेट इन इट यू कैन। चलो, इन हर कॉम्पोजिशन माइनर आल्सो अटेम्प्ट, डी में क्या एरर है, डी के क्या एरर है? डी में क्या एरर है? देखो क्या है ये, इन हर कॉम्पोजिशन माहिरा ऑल्सो अटैम्प्ट, बोल रहे उसके कॉम्पोजिशन में माहिरा ने भी अटैम्प्ट किया, माहिरा ऑल्सो अटैम्प्ट टू फ्री हर सेल्फ विद द कॉन्स्ट्रेंट्स, टू फ्री हर सेल्फ, जब भी आप बात करते हो ना, ठीक है, फ्री, ठीक है, तो हमेशा फ्री के साथ फ्रॉम आता है, फ्री फ्रॉम समथिंग, खुद को किसी चीज से फ्री करना, ठीक है। I want to free myself from this stuff, from this stuff. तो free के साथ हमेशा from आता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हर उसका जो composition है, मायरा ने भी attempt किया to free herself, कि वो खुद को free कर सके उसके constraint से। तो with constraints नहीं होगा, from constraints होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए from, ठीक है। तो ये एक correct usage है, मतलब correct usage क्या होता है कि free somebody, किसी को free करना From something, क्या होता है हमेशा From something. She wants, देखो यहां पर अगर मैंने बोला she wants to free herself, वो खुद को free करना चाहती है, she wants to free herself with her debts, अपने कर्जे से। बताओ करेक्ट है ये, टेल मी क्विकली, इज इट करेक्ट और नॉट? Is it correct or not? She wants to free herself with her debts. ऐसा हो सकता है? From her debts. मतलब अगर आप किसी को किसी चीज से free कर रहे हो, बरी कर रहे हो, तो वहां पर आप कभी भी with नहीं लगाते हो, from ही लगाते हो,
शी वॉन्ट्स टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हर डेब्ट्स, ठीक है, शी वॉन्ट्स टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हर डेब्ट्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इन हर कॉम्पोजिशन मायरा ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव एंड होराइजन लाइंस। तो इसमें जो एरर है दैट इज पार्ट नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करेंगे फटाफट से। वर्कर्स इन द सर्विसेज सेक्टर कंपोज्ड ऑफ 72% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयड इन मार्च 2021, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, टेल मी द आंसर क्विकली। वर्कर्स इन द सर्विसेज सेक्टर भी करेक्ट है, सर्विसेज सेक्टर्स भी करेक्ट है ना। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अगर आपने रेगुलरली क्लासेस ली है मेरी, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये आपको मिला है लास्ट क्लास SBAPO के प्री में। एरर डिटेक्शन के पूरे पूरे यूजेस वही आए हैं जो हमने पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने 50-50 बार बताया तुम लोगों को। वेरी गुड अमन, वेरी नाइस, ठीक है। जो एरर है दैट इज पार्ट नंबर बी, एरर किस में है, पार्ट नंबर बी में है। देखो एक वर्ड होता है कंप्राइज्ड, क्या होता है वर्ड कंप्राइज्ड, इसके साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती, नो प्रपोजिशन। एक वर्ड होता है कंसिस्ट, जो कि इसी का सिनोनियम होता है, उसके साथ हमेशा ऑफ आता है। इनका मतलब होता है का बना हुआ, किसी चीज का बना हुआ, कोई चीज जो किसी चीज की बनी हुई है, किसी चीज से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज्ड। या तो आप सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ यूज कर लो, या फिर आप सेंटेंस में कंप्राइज्ड यूज कर लो अकेला बिना ऑफ के, एक ही मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला कि ये जो पैराग्राफ है, दिस पैसेज, ये जो पैसेज है कंसिस्ट्स ऑफ फोर पैराग्राफ, किससे बनाया हुआ है, चार पैराग्राफ से बनाया हुआ है। दिस पैसेज कंसिस्ट्स ऑफ फोर पैराग्राफ्स, ये एक पैसेज है कंप्लीट, ये चार पैराग्राफ का बना हुआ है। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ सेवन चैप्टर्स, ये बुक जो है इसमें सेवन चैप्टर्स है। तो कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज्ड, इनका मतलब होता है किसी चीज से बना हुआ, किसी चीज का बना हुआ। तो या तो आप यहां पर कंसिस्ट ऑफ यूज कर लो, या तो आप यहां पर यूज कर लो कंप्राइज, क्या यूज कर लो कंप्राइजेस, प्रेजेंट अगर लगा रही हो, पास्ट कर रही हो तो कंप्राइज भी कर सकते हो। तो हम ये याद रखिए कि कंप्राइज के बाद कभी भी प्रपोजिशन नहीं आती है, और कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है। ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सिमिलर है, किसी चीज से बना हुआ, किसी चीज का बना हुआ, लेकिन डिफरेंस बस यही है कि कंप्राइज के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ना इन ना एट ना ऑन ना ऑफ, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, और कंसिस्ट बिना ऑफ के यूज नहीं होता। अगर यहाँ पर ऐसा दे दिया होता वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है, या तो आप इसको क्या कर दो, कंप्राइज दिया है तो ऑफ हटा दो, ये एरर हो जाएगा, या तो कंप्राइज को कंसिस्टेड कर दो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। मतलब बी पार्ट में एरर बनना है, एरर किस में बनना है, बी पार्ट में, आप उसको दोनों तरीके से करेक्ट कर सकते हो, या तो उसको कंसिस्टेंट कर दो, या तो उसको क्या कर दो कंप्राइज के बाद ऑफ हटा दो। अभी मैंने ऑफ हटा दिया, यहाँ पर कंप्राइज्ड 72% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय कंप्राइज्ड, ठीक है, 72 कंप्राइज्ड ऑफ नहीं होगा, कंप्राइज इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन कभी भी यूज नहीं की जाती। चले और इसमें एक दो चीजें समझने लायक थी। देखिए वर्कर्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस में, बहुत लोग द वर्कर्स कर देते हैं, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी नाउन जो प्लूरल है, उसके पहले आर्टिकल आता है तो द आर्टिकल द आता है, नहीं आता तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल कंपल्सरी है, हाँ अगर लगाना है तो द लगा लो, लगा सकते हो, गलत नहीं होगा वो भी, लेकिन अगर नहीं लगा कोई आर्टिकल तो वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वर्कर्स या कोई भी प्लूरल नाउन दिखता है स्टार्टिंग में तो द लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नोट्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, स्मोकिंग आर, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नोट्स। अब क्या करते हैं लोग कि स्टूडेंट्स के पहले द लगा देते हैं, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नोट्स, ठीक है, क्यों लगा रहे हो भाई, अगर लगाते हो तो वो करेक्ट होगा, लेकिन नहीं लगाते हो तो भी वो करेक्ट ही है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि कोई भी नाउन जो कि प्लूरल है
कॉमन नाउन में कोई भी नाउन जो कि प्लूरल है, आप उसके पहले या तो आर्टिकल लगा दो द, लेकिन नहीं लगा तो आप उसे गलत नहीं बोल सकते। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है क्या कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है? नहीं, सही को सही से क्यों सही करोगे? अगर गलत है तो उसको सही करो, तो स्टूडेंट ऑलरेडी सही है, इसके पहले दा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दा लगा दोगे तो वो भी सही होगा, लेकिन स्टूडेंट अकेला भी गलत नहीं है, ठीक है। वही सेम चीज नोट्स भी गलत नहीं है, दा नोट्स अगर आप करते हो तो वो भी सही है, लेकिन नोट्स भी सही है। तो याद रखो कि वर्कर्स के पहले कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं चिपकाना है भाई, आर्टिकल वहां पर नहीं आएगा। अगर लगा होता तो करेक्ट होता, नहीं लगा तो भी करेक्ट है, ये याद रखो। प्लूरल नाउन वाले कॉन्सेप्ट में बहुत लोग एरर लगा देते हैं, स्पेशली फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले में, वो किसी में दा लगा के सेम क्वेश्चन लिख देता है तो हम उसको उससे करेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पैटर्न मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है क्लास में। चलिए आंसर इट द क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी बैंड यू टू इज ब्रिंगिंग इट्स जोशुआ ट्री टूर टू इंडिया। ए में भी एरर है, ठीक है, बैंड्स, ठीक है। और लोग भी भाई आंसर करो, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन साइड। 6 to 7 पीपल आर वॉचिंग दिस सेशन, बट आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम 2 पीपल साइड ओनली। दिस इज द वेरी बैड रेशो ना। गुड आफ्टरनून ऋषभ। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों नहीं आपके सेट होता है माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। पूरी इंग्लिश में कभी भी वन ऑफ आता है, कभी भी आइदर ऑफ आता है, कभी भी नाइदर ऑफ आता है, कभी भी नन ऑफ आता है, कभी भी लाइक एनी वन ऑफ आता है। तो ऑफ वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं कभी भी आते हैं ये इंग्लिश में, कभी भी कहीं भी। इनके बाद जो भी नाउन आता है ना बच्चों, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। इनके बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। हाँ, लेकिन इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है, वन ऑफ के बाद जो भी वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। अब मैंने यहां पर बोला है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी बैंड, तो बैंड कैसे आ सकता है भाई? हमने क्या पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट में, क्या एरर लग रहा है पहले तो मुझे ये बताओ, कौन किसने फर्स्ट पार्ट, अरविंद क्या एरर है बेटा फर्स्ट पार्ट में? तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी बैंड, दुनिया के मतलब हम सबसे ज्यादा लेजेंडरी बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रॉफीज जो है ना वो बैंड के लिए आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हमने पढ़ा है ना नाउन हमेशा कैसा प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ का सेंस क्या होता है, जब हम बहुत सारों में से किसी एक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम वन ऑफ लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंड्स। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी बैंड्स यू टू इज, वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वर्ब कैसी अप्लाई करनी है? सिंगुलर अप्लाई करनी है। नाउन कैसा अप्लाई करना है? प्लूरल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। SBAPO का भी बहुत अच्छा हो गया, इंग्लिश 22 कर दिए थे आपकी, थैंक यू सो मच, ये तो बढ़िया आपने किया है। वो ग्रामर ग्रामर के कॉन्सेप्ट तो इजी थे बहुत, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी काफी इजी था, सारे क्वेश्चन और पैटर्न्स हमारे किए हुए ही थे इसमें ना। अभी जो हम ये मेमोरी बेस्ड कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पैटर्न्स आपके जो हैं हमारे पढ़े हुए ही हैं, ठीक है। 22 out of 30, ठीक है। तो ये याद रखो, तो यहाँ पर क्या दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी बैंड, तो बैंड नहीं होना चाहिए था, ये बैंड होना चाहिए था। हमेशा याद रखिए, कभी भी आप यूज करते हो वन ऑफ माई कलीग, वन ऑफ माई बुक, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको करना पड़ेगा कलीग्स, वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई लाइक फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो जो भी नाउन आप लगाओगे ना वो हमेशा प्लूरल होगा। तो इनके बाद जो भी नाउन आप अप्लाई करते हो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ द, वन ऑफ माई
लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लेजेंडरी बैंड्स, तो ये प्लूरल होना चाहिए, यू टू इज ब्रिंगिंग, बाकी पूरा करेक्ट है. वोकैबलरी में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वोकैबलरी तुम लोग बिल्कुल भी रीड नहीं करते हो. मैंने वोकैबलरी के लिए पहले से ही दो से तीन चीजें बताई हुई है. डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करो, ठीक है, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करो. इसके अलावा यहाँ पर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के सेशन भी होते हैं, वंस इन अ वीक मैं आपके सेशंस लेती हूँ भाई, वो भी अटेंड करो. इसके अलावा फिलर्स के जो सेशंस होते हैं भाई, वो भी अटेंड करो, क्योंकि फिलर्स भी इट्स फुल ऑफ वोकैबलरी ना, वोकैबलरी ही होती है उसमें पूरी, टोटल वोकैबलरी का ही पार्ट होते हैं फिलर्स. तो वोकैबलरी आपकी ऐसे ही स्ट्रांग होगी जब आप उसके सेशन ज्यादा से ज्यादा अटेंड करोगे, ठीक है. तो जितनी ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे ना, उतनी ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा. तो आई रिक्वेस्ट टीच एंड एवरी वन की भाई थोड़ी सी मेहनत करो वोकैबलरी पे. और वोकैबलरी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है डायरेक्टली कि आपसे सिनोनियम से, वो आपको ये इसी में ही आते हैं, फिलर्स में आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं. वोकैबलरी जो हार्ड आती है ना, वो आपको उसी में आती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको वोकैबलरी कहीं से भी वो दे देता है, ठीक है. और मैंने आपको पहले भी बोला है कि न्यूज़पेपर रीड करो, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको 50 बुक करने की, सेम टाइम पे ही रहेगा, ठीक है. अभी जैसे कि आपके डबल फिलर्स हैं, नेक्स्ट ये मंडे से आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. डबल फिलर्स के क्वेश्चन या सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन, फिलर्स के क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें ही वोकैबुलरी होगी, उसको अटेंड करो, ठीक है. उसके बाद फिर दोनों के बाद फिर हमारे एंटोनियम्स का सेशन रहेगा, फिर सिनोनियम्स का रहेगा. मैंने आप देखिएगा स्टार्टिंग में सेशन के मैंने बताया है आपका मंडे का शेड्यूल. विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. दैट्स वेरी नाइस ऋषभ, आपने अच्छे से कर लिया ना, दैट्स गुड. आंसर कीजिए, द कलेक्टर अर्ज्ड आदिवासीज टू एक्सेल विथ एकेडमिक्स टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स. आदिवासीज, द कलेक्टर अर्ज्ड आदिवासीज टू एक्सेल विथ एकेडमिक्स एंड टू सिक्योर गवर्नमेंट्स जॉब्स. टू बिल्कुल सही है अमन, टू इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अगर कलेक्टर है उसने अर्ज किया आदिवासी से टू एक्सेल विद एकेडमिक्स एंड टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स, है ना. अब यहाँ पर बोल रहे हैं एंड टू सिक्योर, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीधा सिक्योर भी तो लिख सकते हैं, तो सिक्योर भी करेक्ट है और टू सिक्योर भी करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है. अब वो एंड से जोड़ा है तो अगर चाहे तो अगर एंड से जोड़ा है एंड से जोड़ा है अगर चाहे तो आप बिना टू के लिख दो तो भी सही होगा, टू लगा के लिख दो तो भी सही होगा, गलत नहीं है. ये देन वैन क्या होता है, गवर्नमेंट्स जॉब्स भी करेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब होता वो भी जॉब्स होता वो भी करेक्ट था, गवर्नमेंट्स जॉब्स भी करेक्ट है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल विथ के प्लेस पे एक्सेल इन होना चाहिए, एक्सेल विथ के प्लेस पे एक्सेल इन होना चाहिए. देखो एक्सेल हमेशा इन समथिंग होता है, किसी चीज में एक्सेल किया जाता है, जो करेक्ट यूज होता है ना वो एक्सेल इन समथिंग होता है, ये प्रेपोजिशनल यूजेज है, ठीक है. एक्सेल इन ये करेक्ट प्रेपोजिशनल यूज है. हाँ करेक्ट है, प्रेपोजिशनल यूजेज है, ठीक है. तो द कलेक्टर अर्ज्ड आदिवासीज टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, विद एकेडमिक्स नहीं होगा, है ना, किसी चीज में एक्सेल इन समथिंग, किसी चीज में एक्सेल करते हैं, किसी चीज के साथ एक्सेल नहीं करते हैं, तो एक्सेल इन समथिंग, ठीक है, गुड अमन, ठीक है. लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट कि ये गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो किसी ने लिया था दैट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9. क्वेश्चन नंबर 6 to 9 देख लो, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर फ्रेजेस हाइलाइटेड इन ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में एक फ्रेज जो है वो हाईलाइट करके दिया गया है. देयर माइट और माइट नॉट बी ग्रामेटिकली एरर, ठीक है, हो सकता है कि किसी में ग्रामेटिकली एरर ना हो. इन द हाईलाइटेड फ्रेज में गिवन
बिलो आर दी ऑप्शंस विच माइट करेक्ट इन द इनकरेक्ट फ्रेज। एक स्टेटमेंट ये जो बोल्ड में दिया हुआ है, इसमें कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट से आपको इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है सेंटेंस को इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर ऐसा लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इन द हाईलाइटेड फ्रेज, हाईलाइटेड फ्रेज में चूज ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर। वेरी नाइस, ये तो बड़े अच्छे से पढ़े हैं तुम लोगों ने। क्वेश्चन मैंने रीड किया भी नहीं है कि तुम लोगों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड अमन, अरविंद। द अलायंस हैज बिकम अंडर प्रेशर इन रीसेंट ईयर्स विद द राइज ऑफ नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स हु हैज अ फेवरेबल व्यू फॉर। सबसे पहली चीज, कभी भी व्यू फॉर नहीं होता है, हमेशा व्यू ऑफ होता है। प्रपोजिशनल यूजेज बहुत है इस बार, है ना, देखने देखे होंगे आपने। कभी भी व्यू फॉर नहीं होता है, व्यू ऑफ होता है हमेशा किसी भी चीज का। ठीक है, हमेशा क्या होता है, व्यू ऑफ होता है। तो ये आपका है हु, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका पढ़ा हुआ है कि पूरी इंग्लिश में कभी भी हु आता है, विच आता है, या फिर दैट आता है। जो भी रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसे पता होगा, ये मैं रूल हर दिन क्लास में कराती हूँ, हर दिन। एक भी दिन मिस, मतलब ये नहीं है कि ये मिस हुआ हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा आता है, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद जो भी वर्ब आती है, इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा इसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, हाँ, इन व्यू ऑफ, बिल्कुल अरविंद। ठीक है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, हमेशा हमेशा इसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब आपने देखा हु, अब आपने हु के पहले देखा क्या लिखा है, लीडर्स। जब आपने देखा लीडर्स प्लूरल है तो आपको वर्ब चाहिए वो भी प्लूरल में, वर्ब चाहिए वो भी प्लूरल में। यहाँ पर क्या आ रहा है, हैज जो है वो सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो हट जाएगा क्योंकि करेक्शन तो रिक्वायर्ड है। तो अब हमें ऐसे वर्ड देखना है जिसमें हैव लगाओ, पास्ट की तो बात हो नहीं रही है क्योंकि ऊपर भी प्रेजेंट लिखा है, हैज तो पास्ट वाला स्टेटमेंट हटा दो, मतलब डी हट जाएगा। ठीक है, हैज ले नहीं सकते, अगर हैज लेना होता तो जो लिखा था हम उसी को ले लेते, या तो बी आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। बट हमने एक और चीज पढ़ी है कि व्यू अगेंस्ट नहीं होता है, व्यू के साथ हमेशा ऑफ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? तो जो ऑप्शन नंबर बी, दो चीजें याद रखो, हु विच दैट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ये हमेशा आता है कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने लिखा ही इज वन ऑफ द बॉयज, ये उन लड़कों में से एक है, ही इज वन ऑफ द बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा, हु हैव डन देयर वर्क या डन देयर टास्क। ये उन लड़कों में से एक है जो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा हु के पहले क्या यूज हो रहा है, आपने देखा हु के पहले यूज हो रहा है बॉयज, बॉयज एक से ज्यादा है तो हैव करेक्ट है। और अगर ये सेम क्वेश्चन में ऐसा लिखती ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, फिर मैं लिखती हु, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि बॉय कितना है, अभी एक लड़का है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज डन हिज टास्क। ठीक है, तो याद रखना है हु के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा यूज की जाती है। तो खैर अभी तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चले आएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे। वन ट्रांसलेट इमैनुएल वैलेस्ट्रेंस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इनटू जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स। द यूएस द कोर ऑफ द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड सिस्टम इज फेसिंग रिवॉल्व्स इन द पेरिफेरी। एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स, टेल मी क्विक। जल्दी आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कोई आंसर आ रहा है किसी का ऑप्शन नंबर डी के अलावा? चलिए देख लेते हैं। इफ
वन ट्रांसलेट इम्यूनो। देखो ये गलत क्यों है जो लिखा है, ये गलत इसलिए है क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर है, ट्रांसलेट जो है वो प्लूरल है। ट्रांसलेट क्या है? प्लूरल है। वन जो है वो कैसा है? सिंगुलर। ट्रांसलेट प्लूरल है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होना ही, होने से रहा, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वन के साथ तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो ये हटा दो। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इज द इनकरेक्ट। वन ट्रांसलेट ये भी प्लूरल है, ये भी हटा दो। ठीक है, ये क्या है? समवन ट्रांसलेट। समवन लोगे तो भी समवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी प्लूरल है, ये भी हटा दो। एवरीवन ट्रांसलेट, एवरीवन में भी वन लगा है, ये भी सिंगुलर होता है, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। सीधी सी बात है, एक ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज वन ट्रांसलेट्स। ठीक है, वन ट्रांसलेट्स, क्योंकि जो वन है उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लेते हैं, तो वन ट्रांसलेट इमैनुअल वेलेस्टेन वर्ल्ड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर इट टू ऑल? बहुत सिंपल था, इसमें ना सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक नहीं बैठ रहा था, एक सिंगुलर था तो दूसरा प्लूरल था, और ना केवल इसमें बल्कि सभी में ये चीज थी, तो बस एक ही में जो करेक्ट आंसर था उसको हम आंसर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कीजिए जल्दी। क्यों होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर? द इम्फेसिस वर्ल्ड वाइड इज ऑन क्रिएशन अ सर्कुलर इकोनॉमी। देखो यहां पर यूज हो रहा है इम्फेसिस, ये हो रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? इज ऑन। याद रखो कि इम्फेसिस जब भी यूज होता है उसके साथ हमेशा ऑन आता है। ठीक है, तो ऑन क्रिएशन, ऑन के साथ क्रिएशन कैसे आ जाएगा भाई? यहां पर भी क्या लिखा है? सर्कुलर इकोनॉमी, यहां पर भी एक तरीके से नाउन दिया है, तो यहां पर हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो आईएनजी फॉर्म जिस जिस में दिया है उसको हम ऑप्शन ले लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, बाकी सारे हटा दो। क्रिएशन वाले ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। दूसरी बात, जो बात चल रही है सेंटेंस में, ठीक है, वो किस में चल रही है? प्रेजेंट में ही चल रही है ना, मतलब ऐसा कोई टेंस का शो ऑफ दिया है क्या नीचे कहीं? वेस्ट रिसाइकल एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन, नहीं, एक ही टेंस दिया है प्रेजेंट में, कोई दूसरी वर्ब भी नहीं दी है जो पास्ट को डिनोट करे। ठीक है, ऐसी कोई वर्ब भी नहीं दी है जो पास्ट को डिनोट करे, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रेजेंट के ऑप्शंस लेंगे, क्योंकि हमें सेंस चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर नीचे कोई वर्ब ऐसी दी होती जो पास्ट की है तो हम चेंज कर देते, तो वॉज वाले हटा दो ऑप्शन। ठीक है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। सीधी सी बात है, सर्कुलर के पहले का साउंड सा से है, तो उसके पहले एन तो आने से रहा। ठीक है, उसके पहले क्या आएगा? आ आएगा, तो वर्ल्ड वाइड इज ऑन क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। तो द एम्फेसिस वर्ल्ड वाइड इज ऑन क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी सेंटर्ड एट द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियल रिकवरी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर इट टू ऑल? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। आंसर करो ऋषभ। क्वेश्चन नंबर 9, सी। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ पहले कि ये एरर जो लिखा है वो क्यों गलत है? लिखा है जो उसमें क्या गलती है? वेरी गुड, उसमें गलती ये है कि भाई
सर्वड एज अ रिमाइंडर ऑफ द स्टेटस अकॉर्डेड फॉर साइंस. अकॉर्डेड फॉर नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू होता है. अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डेड फॉर नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू तो किसी में भी नहीं दिया है ना, एक में दिया है बस. तो बस वही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अब हम इसको चेक कर लेते हैं ग्रामेटिकली, ये करेक्ट है कि नहीं. हैज के बाद सर्व लिखा है थर्ड फॉर्म. हैज सर्वड एज अ रिमाइंडर ऑफ द स्टेटस अकॉर्डिंग टू, स्टेटस अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक. तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है. तो यहाँ पर आपको सर्वड एज अ रिमाइंडर ऑफ द स्टेटस अकॉर्डिंग टू यूज करना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओगे. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके वर्ड स्वैप है. वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करोगे. इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड. These four words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that may replace each word in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is correct as it is, then select option number E as your answer. डी ए बी, डी ए बी, वेरी नाइस. अमन, अरविंद, ऋषभ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. यहां पर बोल रहे एन अवेलेबल, एन अवेलेबल डॉलर 11 मिलियन वुड बी एडिशनल टू भूटान. नहीं, इसको आपस में इंटरचेंज करना है. यहां पर क्या होगा, एन एडिशनल, जो एडिशनल 100 मिलियन है वुड बी अवेलेबल, वो क्या है, अवेलेबल है. कहां पर, टू, अवेलेबल के साथ टू आता है, एडिशन के साथ भी आता है वैसे, टू भूटान अंडर अ स्टैंड बाय स्वैप अरेंजमेंट टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. ठीक है, सीधी सी बातें, क्या चेंज होगा, ऑप्शन नंबर ए का बी से चेंज होगा और बाकी पूरा करेक्ट है. चलो नेक्स्ट पे आओगे. जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह सैड ऑन सैटरडे दैट कश्मीर वर रिलैक्स्ड इन 1/3 ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस वैली and people were cooperating with the authorities. Bahut aasan hai, this is the very simple. Jammu and Kashmir director general of police Dilbagh Singh said on Saturday that Kashmir were relaxed. BC, very good. Arvind, very good. Rishabh, Sanish, very nice. देखो, अलग ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी. यहाँ पर हम, यहाँ पर यूज कर रहे हैं वर. वर क्या है, वर प्लूरल है, बट हम क्या लिख रहे हैं, दैट कश्मीर वर. तो कश्मीर वर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कश्मीर तो सिंगुलर है. यहाँ अगर कश्मीर यहाँ पर होता तो यहाँ पर वॉज होता. हमें नाउन चाहिए, वो भी प्लूरल. अब हमने देखा डायरेक्टर, ये भी सिंगुलर नाउन है. हमने देखा कॉपरेटिंग तो वर्ब ही है, तो एक ही नाउन बचा प्लूरल, वो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शंस प्लूरल है तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ वर्ब करेक्ट है. और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कश्मीर. अब हम एक बार पढ़ लेते हैं. जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह सैड ऑन सैटरडे दैट रिस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स्ड इन 1/3 ऑफ द कश्मीर वैली. बिल्कुल करेक्ट है. एंड पीपल वर कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटीज. ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बी एंड सी. ठीक है, बी और सी स्वैप हो जाएगा आपस में. आप लिंक पकड़ सकते हो वर्ड से, बहुत सिंपल है. चलो क्वेश्चन नंबर 12. द व्हील्स ऑफ रनिंग ट्रेन मेक अ रिथमिक sound that may be off tune if any wheel has a flat tire. C, ठीक है, C और D आपस में इंटरचेंज हो जाएगा. ए और सी, ए और सी तो हो ही नहीं सकता
उसका रीजन ये है, ऋषभ के यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं व्हील्स जो कि प्लूरल है, ठीक है। अब हमें वर्ब देखना है, द व्हील्स ऑफ अ रनिंग ट्रेन मेक, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वह फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, किसके लिए आती है, प्लूरल नाउन के लिए आती है, तो व्हील्स प्लूरल है, व्हील्स प्लूरल है, इसीलिए तो मेक आया यहाँ पर। अगर व्हील यहाँ पर करना होता ना तो फिर यहाँ पर व्हील्स मेक्स होता, ठीक है। लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है, मतलब व्हील का प्लेस तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन वाले सारे हटा दो, क्योंकि ए ऑप्शन तो किसी में चेंज ही नहीं होगा, ए ऑप्शन वाले सारे हटा दो, ठीक है। तो ऑफ अ रनिंग ट्रेन मेक अ रैथमिक साउंड, रैथमिक साउंड, देखो यहाँ पर एम आई सी यूज हो रहा है, एम आई सी जिसके आई सी जिसके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होता है, जैसे हीरोइक है, ठीक है, हीरोइक है, जैसे लाइक लॉजिक है, ठीक है, सिंपैथेटिक है, ये एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद नाउन आता है। तो जो साउंड है वो कैसा है, रेथमिक साउंड है, तो साउंड जो है वो रेथमिक है, मतलब ये हो गया नाउन, ये हो गया रेथमिक एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद यूज हो रहा है दैट मे बी ऑफ टोन इफ एनी व्हील, ठीक है, मतलब ये रेथमिक तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो बी वाला ऑप्शन भी हटा दो। सी और डी याद होगा, या तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दैट मे बी ऑफ टून इफ एनी व्हील, यदि कोई भी जो व्हील हैज अ फ्लैट टायर, उसका कोई भी, उसका जो टायर है वो क्या हो, फ्लैट हो, गलत हो गया, जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, एनी व्हील आप वहां पर यूज कर रहे हो, ठीक है, एनी व्हील हैज अ फ्लैट टायर, अगर कोई भी जो व्हील है उसका टायर क्या है, फ्लैट है, तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन था ये, ए बी वाले सारे ऑप्शन हट जाएंगे, लास्ट वाले को देखोगे तो वो भी अपने आप में अपने सेंस में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करोगे, वी हैड अ डेलिब्रेटेड मीटिंग, डेलिब्रेटेड मीटिंग क्या होती है, वेयर वी कॉम्प्रिहेंसिव ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान, बन जाएगा ये, है ना। वेरी नाइस अमन सैनिश, वेरी गुड। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं वी हैड अ डेलिब्रेटेड मीटिंग, वी हैड अ डेलिब्रेटेड मीटिंग, भाई आर्टिकल के बीच में और नाउन के बीच में हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है ना, कि वर्ब चाहिए होती है, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए होता है, आर्टिकल और नाउन के बीच में हमेशा एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव रिलेशंस नहीं है, एडजेक्टिव भूतान नहीं है, एडजेक्टिव सिर्फ क्या है, कंपेरिहेंसिव, तो वी हैड कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मीटिंग, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव मीटिंग हमने रखी थी, वेयर वी डेलिब्रेटेड, जहां पर हमने क्या किया, डेलिब्रेट किया, डेलिब्रेटेड जिसपे हमने वार्तालाप की, डेलिब्रेट करना ऑन द रिलेशंस, रिलेशंस पर बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इंडिया और भूटान के रिलेशंस पर, तो ऑप्शन नंबर ए और बी शुड बी इंटरचेंज, मतलब डेलिब्रेटेड और कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों वर्ड्स। चलो नेक्स्ट देखोगे जल्दी से, ये क्या है, ये है वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर आर थ्री वर्ड्स ए बी एंड सी हाइलाइटेड इन बोल्ड वर्ड्स, द वर्ड्स मे और मे नॉट बी एट करेक्ट पोजिशन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एज अ रिप्लेसमेंट टू दीज वर्ड्स, इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड आई होप कि सभी को दिखाई दे रहे होंगी, ये वर्ड्स अगर अपने प्लेसेस पे करेक्ट हैं तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आंसर लेना है, अगर इनकरेक्ट है तो इनको इन गिवन ऑप्शन की हेल्प से आपको अरेंज करना है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है जल्दी से, फटाफट से आंसर करो इन चारों के। वेरी गुड अरविंद, अमन वेरी गुड,
सीएबी शुड बी द करेक्ट आंसर, अगर न्यूज़पेपर रीड करती हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बेंगलुरु, ये पढ़ा हुआ, ये न्यूज़ है, आ चुकी है ये न्यूज़ कि बेंगलुरु स्टूडेंट रेज्ड, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन एट एन एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रैली वेयर पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी वॉज प्रेजेंट बिफोर शी वॉज स्टॉप्ड फोर्सफुली एंड रे एंड वॉट हैंडेड ओवर टू द पुलिस, ठीक है, सी ए बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्रॉल्ड वॉफुली ऑन अ चैलेंजिंग ट्रैक एंड द साइड परफॉर्म्ड टू 122 फॉर 5 विथ न्यूजीलैंड टॉवरिंग पैसर कायल जैमिसन रेटलिंग द विजिटिंग बिग गन्स ऑन हिज डिबोट। बताओ आंसर इसका क्या होगा? रैटल मतलब तो पता है ना, खड़खड़ मारना, दैट इज कॉल्ड रैटल। देखो, इंडिया टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्रॉल्ड, क्रॉल मतलब क्या होता है, रेंगना, नहीं गलत हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर इसका, हो जाएगा वही बी सी ए। ए तो अपने प्लेस से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी सी ए शुड बी दी, सॉरी बी ए सी शुड बी दी करेक्ट आंसर, सी अपने प्लेस से बिल्कुल करेक्ट है। तो इंडिया टॉप ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म वॉफुल ऑन अ चैलेंजिंग ट्रैक, उन्होंने परफॉर्म किया चैलेंजिंग ट्रैक पे, ऑब्वियसली क्रॉल्ड क्यों करेगा चैलेंजिंग ट्रैक पे, ठीक है, एज द साइड क्रॉल्ड टू 122 फॉर 5 विद न्यूजीलैंड स्टॉवरिंग पैकर काले जेमिसन रैटलिंग द विजिटिंग बिग गन्स ऑन हिज डिपोर्ट, ठीक है, बाकी पूरा करेक्ट है। यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉल्ड हो जाएगा, बाकी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चेरिश्मा के ओपन अप फॉर हर डीप स्लिप आफ्टर हियरिंग अ लाउड थर्ड एंड फाउंड दैट राइट साइड ऑफ द बस इन विच ही वॉज ट्रेवलिंग वॉज कंप्लीटली वॉक। देखो, डीप स्लिप से क्या करेंगी, ओपन अप तो करेंगी नहीं, वॉकअप ही करेंगी, जागेंगी ना, तो देख लो किसमें, सी सी से स्टार्टिंग हो रही है, तो सी से स्टार्टिंग दो में ही हो रही है, ठीक है, या तो सी बी होगा या तो सी ए बी होगा, क्या ले लिया तुम लोगों ने, सी बी है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। लाउड थर्ड एंड फाउंड दैट द एट राइट साइड ऑफ द बस इन विच शी वॉज ट्रेवलिंग वॉज कंप्लीटली ओपन, वो पूरे तरीके से क्या थी, ओपन थी, ठीक है, बी लास्ट में आना चाहिए था, वो हो गया। ये है क्लोज टेस्ट, 6 मिनट्स है हमारे पास, फटाफट से इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो इस क्वेश्चन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड्स की ऑब्वियसली मीनिंग में प्रॉब्लम होगी, अटेम्प्ट करके करके रखना है इसको, हम डिस्कस करेंगे आगे, टेक द स्क्रीनशॉट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो इनेबल करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक चीता के इंट्रोडक्शन को टू एन इंडियन हैबिटेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एज नेचुरली लीड टू, टू है, लीड के बाद क्या है, टू है, ठीक है, लीड टू है, ये देख लेना, लेड टू डैश एंथुसियाज्म अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स
हु सी इन इट अ पोटेंशियल डैश, कहाँ चले गए ईबीए, क्या हो गया ये तो हम क्लोज टेस्ट पे आ गए ना। अच्छा ये आंसर बता रही हूँ, ईबीए। None of the above. इसको आगे का भी ले लो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। रिमार्केबली द डैश ऑफ द हाई स्पीड, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, इसका जो आंसर्स है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीजें हम पैनल में आपको दे देंगे, प्लस बाकी जो आपका ये जो हमने पेपर सॉल्व किया इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बार इसको पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, है ना। फर्स्ट यू शुड नो, यू शुड अवेयर फ्रॉम दीज वर्ड्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट आउट, ठीक है। ट्राई करो कि हो जाएगा। द क्वेश्चन लाइक द पैराग्राफ इज वेरी सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे से यानी कि कल की क्लास आपकी रहेगी 12 बजे, जिसमें हमारा जो है शेड्यूल पुराना ही रहेगा, मतलब हम कल फिलर्स स्टार्ट करने वाले हैं ना, फिलर्स से क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले। तो आई होप कि यू ऑल गाइज आर रेडी टू मीट मी एट 12 o'clock, ठीक है। उसके लिए फिलर्स के लिए वोकैबुलरी का अच्छा होना जरूरी है भाई। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू रीड द न्यूज़पेपर प्लीज, ठीक है। यू कैन गेट दिस लाइक पीडीएफ दैट चैनल ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑफ एम्बिशियस बाबा, ये लिखा है ना नीचे, टेलीग्राम चैनल एट दैट एम्बिशियस बाबा, ठीक है। यू विल गेट दी पीडीएफ फ्रॉम देयर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय संडे एंड वर्क हार्ड एंड प्लीज रीड द न्यूज पेपर ऑन डेली बेसिस। थैंक यू।